कढ़ी का नाम सुनकर तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाबी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी, वो भी इतनी आसान कि कोई भी बहुत आसानी से बना लेगा। हेलो फ्रेंड्स, परमजीत के किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं कढ़ी। उसके लिए मैं यहाँ लूँगी छोटा सा टुकड़ा अदरक का, कुछ कलियाँ लहसुन की, 4 से 5 लेंगे हम हरी मिर्च। मसाले में मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा हम लेंगे जीरा। अदरक लहसुन को मैं यहाँ इमामदस्ते में कूट लूँगी। आप चाहो तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो, मगर मुझे इसका दरदरा पेस्ट चाहिए। कढ़ी बना रहे हैं तो दही का इस्तेमाल तो करेंगे ही। हम यहाँ लेंगे 1/2 किलो दही। मेरे पास ये खट्टी दही है और कढ़ी के लिए हमेशा ही खट्टी दही का इस्तेमाल होता है। इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में। ऊपर से हम डालेंगे 2 कच्ची बेसन, ये लगभग 200 ग्राम के करीब बेसन है। इसके बाद इसे हम मिक्सी में एक बार ब्लेंड कर लेंगे, इससे इसका बहुत ही अच्छा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। अब गैस पे हम चलाएंगे प्रेशर कुकर। उसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल 1 कड़छी, यानी कि सरसों का तेल। जब तेल हो जाएगा अच्छे से गर्म, उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको कुछ सेकंड तक भूनेंगे लो गैस पर। ये देखिए, अदरक लहसुन को भूनते हुए कुछ सेकंड हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद मैं कुछ सेकंड और भूनूंगी। मसाले डालने के बाद मैं इसे 1-2 सेकंड भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी। अब इसमें ऐड करूंगी बेसन और दही का बैटर। मैंने गैर के बेसन और दही का बैटर नहीं डाला था। अगर मैं इसको पहले डालती तो दही फट सकती थी, इसलिए पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, फिर तब मैंने इसमें बेसन और दही का बैटर डाला है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई और इसको लगातार तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि उबाला नहीं आ जाता कढ़ी में। आप भी इस चीज़ का याद रखिएगा, जब तक कि कढ़ी में उबाला नहीं आ जाता आप इसको लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, दही फट जाती है। ये देखिए, कढ़ी में अच्छे से उबाला आ गया। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे लो और इसको अच्छे से कुक होने देंगे। हम कढ़ी को कम से कम 1/2 घंटा कुक होने देंगे। इससे क्या होगा ना, बेसन अच्छे से पक जाता है और कढ़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। चलिए, जब तक कढ़ी बन गई है हम कर लेते हैं पकौड़ों की तैयारी। उसके लिए मैंने यहाँ जितना कढ़ी के लिए बेसन लिया था उतना ही मैं यहाँ पकौड़े के लिए भी ले रही हूँ। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं लगभग यहाँ 200 ग्राम के करीब ले रही हूँ बेसन। उसके बाद मैंने 2 यहाँ हरी मिर्च और 5 मीडियम साइज के प्याज, जिनको कि मैंने रफली चॉप कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। मसाले में मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1/4 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, क्योंकि हाथ से मिक्सअप करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि हम इंडियन लोग हैं तो हम देसी ही काम करते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। ये देखिए, बैटर भी लगभग तैयार हो गया है। आप इसको चेक करने के लिए हाथ में पकौड़ी कैप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। आप लोगों को पता है कि कढ़ी तो हमेशा खट्टी ही अच्छी लगती है, तो मैं आपके साथ ना एक बहुत ही सीक्रेट टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी कढ़ी खट्टी नहीं है तो आप एक तड़केदानी में लें थोड़ा सा पानी, उसमें मैं डालूँगी 5 से 6 कलियाँ खड़ी हुई खटाई। इससे एकदम नेचुरल खटास आती है, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने खटाई का इस्तेमाल किया है कढ़ी में। खटाई वाले पानी को हम एक उबाला आने पर गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब हम चलिए जब तक बना लेते हैं पकौड़ियाँ।
उसके लिए हम कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। आप चाहे तो आप किसी दूसरे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि रिफाइंड ऑयल। जब ऑयल हो जाएगा अच्छे से गर्म, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और उसके बाद सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ हाथ से डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं जिसमें आपको आसानी लगे। ये देखिए पकौड़े हो गए फ्राई, इसको मैंने निकाल लिए, अब आप पकौड़े भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कढ़ी भी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी खटाई का पानी जिसको कि मैंने उबाल के रखा था, इसको हम छानी से छान लेंगे। अब मैं कढ़ी में डालूंगी नमक, मैं यहाँ 2 चम्मच नमक डाल गई हूँ, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं कढ़ी में सबसे बाद में नमक ऐड करती हूँ, इससे क्या होता है दही फटने का डर नहीं रहता। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 चम्मच के करीब गर्म मसाला, ये घर का पिसा हुआ गर्म मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम कढ़ी में डालेंगे पकौड़ियाँ, पकौड़ियाँ डालने के बाद हम कढ़ी में 1 से 2 उबाला आने देंगे, उसके बाद हरा धनिया डाल के गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अगर चैनल पर पहली बार है तो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।